गाइज वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइज यहाँ पर अद्विक के कपड़े वॉश कर रही हूँ। एक्चुअली अद्विक के कपड़े ना मैं हाथों से धोती हूँ क्योंकि मशीन में डालती हूँ तो इधर उधर के कपड़ों का जर्म्स और ये सारी चीज़ें बच्चों के कपड़ों में लग जाती है और वो मैल भी लग जाता है बच्चों के कपड़ों में, तो फैंसी होते हैं थोड़े से तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसी वजह से मैं बच्चों के कपड़े उसी में डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने इनके यूनिफॉर्म वगैरह डाल दिए हैं पहले जो वॉशिंग मशीन में वॉश करने हैं, उसके बाद मैं यहाँ पर और आ गई हूँ। यहाँ पर मैं कर रही हूँ किचन का जो मैट है वो क्लीन, ये भी मशीन में नहीं डाल सकते हैं तो इसी वजह से ये मैट क्लीन कर रही हूँ। और उसके बाद मैं अपने जो कपड़े होंगे मेरे और माही के वो सारे मशीन में डालूँगी, तो ये सारे अलग अलग डालने पड़ते हैं तो इसी वजह से सारा टाइम चला जाता है उसी में ही। गाइज ये देखो यहाँ पर रूम में कितना कितना ज्यादा मेस है वो दिखा रही हूँ मैं। लोगों को इजी लगता है कि आप ये नहीं करते हो, वो दिखाते नहीं हो, ये दिखाते नहीं हो, तो इसीलिए अभी ये मेरी हेल्प कर रहे हैं ये सारी चीजें दिखाने के लिए, क्योंकि वीडियो से घर के कामों से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। ये देखिए मेस देखो, जो भी चीजें मैंने लाके रखी है यहाँ पर लगानी है, तो ये तो अभी मेरी वीडियो ही रूम हो गई। इसी वजह से ये रूम मैंने बनवाई है कि मैं आराम से यहाँ पर वीडियो बना सकूँ। तो ये मुझे अच्छे से सीक्वेंस वाइज लगा के दे रहा है। मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी जो भी इन्होंने कैंटीन से ली है, मतलब लाई है, और उसके बाद मैं आपको बिल भी डिफरेंस भी बताऊंगी कि रेट का डिफरेंस क्या है कैंटीन में, CSD कैंटीन में, मतलब आर्मी कैंटीन में। जिन्होंने पहले के ब्लॉग नहीं देखे उनके लिए बता रही हूँ। तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ कि CSD कैंटीन का रेट और जो नॉर्मल MRP होती है वो इस पे क्या है, CSD कैंटीन में कितना डिस्काउंट मिलता है, सारी चीज़ें। और ये है मेरा सेटअप। तो ये तो रिंग लाइट तो यूज़ नहीं करने वाली हूँ, बस क्योंकि ऊपर की ही लाइट अच्छी खासी है तो इसी वजह से रिंग लाइट की ज़रूरत नहीं है। देखूँगी अभी लगाऊँगी, नहीं तो नहीं लगाऊँगी। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर मेज देखो, ये सारी चीज़ें मैंने नीचे से ऊपर लाई है और सारी चीज़ें हैं मेरी लाके रखी है। और वार्डरोब का सामान तो बिल्कुल नहीं लाया है, ये ऊपर ऊपर सामान था जो मेस हो रहा था वही लाया है ऊपर, और वार्डरोब सेट करना बाकी है अभी भी क्योंकि पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। बाहर जाना, बाहर के काम करना, उसके बाद थक जा रही हूँ, घर पर आना, घर के काम करना, उस पर वीडियो का भी काम होता है, उस पर वीडियो एडिट करना, सारी चीज़ें मैं ही अकेली हैंडल करती हूँ तो इसी वजह से नहीं हो पाता है। तो फिर इनकी हेल्प ले लेती हूँ, जैसे कि अभी ये हेल्प कर दे रहे हैं मेरी ये लगाने में, क्योंकि मुझे पता चले कि पहला नंबर कौन सा है, दूसरा नंबर कौन सा है, मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ। तो ऐसी ये हेल्प कर देते हैं, मेरी बिहाइंड द सीन होता है ये, तो इस टाइप में। और बस यहाँ का और इधर का भी सामान आपको दिखाना बाकी है। माही की ऑनलाइन क्लास चल रही है तो वो क्लास कर रही है उधर, माही की हेल्प नहीं मिल सकती है मुझे सुबह सुबह, सुबह तो कुछ भी हेल्प नहीं मिल सकती है क्योंकि सुबह से उसके क्लास होते हैं तो 1 बजे तक उसका क्लास ही होता है, तो सुबह उसकी हेल्प नहीं मिल सकती है। बाद में तो थोड़ी सी मिल जाती है, छोटे मोटे काम वो कर देती है मेरे। और यहाँ पर देखो ये सब कुछ अभी मैं उठाना है, मतलब एक एक करूँगी, अभी मैं इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेने वाली हूँ क्योंकि थोड़ा 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 करके वार्डरोब में लगाऊंगी। नीचे की वार्डरोब का भी सारा लाना है, सारा नहीं। आप लोग बोल रहे थे कि नीचे और ऊपर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आपको कि आप ऊपर जाओगे कुछ नीचे सामान कुछ ऊपर, तो नहीं डियर, जो रेगुलर पहनने वाला है मेरा नीचे ही रहेगा, नीचे हमारे बेडरूम है तो, और ऊपर वही सामान रहेगा जो हमारा मतलब मेरा जो है रेगुलर नहीं पहनती हूँ या ओकेजनली पहनती हूँ, ऐसा ही सामान मेरा ऊपर रहेगा। तो कुछ चीज़ें नीचे ही रहेगी जो मेरी रेगुलर यूज़ करने वाली होती है वो। और चलिए फिर अभी बैठ जाती हूँ यहाँ पर, अच्छे से इनको भी हेल्प करती हूँ थोड़ी सी, ये कितना करेंगे तो इनको हेल्प करती हूँ लगाने में, और फिर बैठ जाती हूँ आराम से, आपको दिखाती हूँ। और भी काम है, बाहर जाना है मुझे तो बाहर के भी काम करने हैं, उसके बाद आपके लिए एक दो वीडियो भी बनाने हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं वो भी बनाने हैं। तो इतना सारा टेंशन रहता है कि यूट्यूबर के एक ब्लॉगर की लाइफ में,
तो इजी नहीं होता है कुछ भी, आपको जो दिखता है 5-10 मिनट का वीडियो, तो इस चीज़ पे लाइक तो बनता है यार, लाइक ज़रूर करो मेरी मेहनत के लिए। चलो फिर फ़ैन लगाती हूँ, क्योंकि फ़ैन नहीं लगाया था अभी तक, आवाज़ आता है फ़ैन की वजह से, तो बाद में भी जब शूट करूँगी तभी भी फ़ैन ऑफ़ कर दूँगी, बट अभी ये पसीना पसीना हो रहा है, आप देखो पूरे पसीने से लुटपुट हो गया है। चलो फ़ैन लगाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो चलिए गाइज, मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देती हूँ, यहाँ पर सारी चीज़ें लगा दी है सीक्वेंस वाइज मैंने, और जो जो चीज़ें मुझे मिली है MRP कितनी है उसकी, और जिस प्राइस में मिली है मतलब डिस्काउंट कितना है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी आज मैं, और एक एक चीज़ का प्राइस बताऊंगी कि कितने रुपीज में मुझे मिली है, मतलब कैंटीन में कितना डिस्काउंट मिलता है क्या है। और हाँ, सबसे पहले आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ कि जो हमें ये सामान मिलता है ना, ये फ्री नहीं मिलता है डियर। बहुत लोगों को लगता है कि ये कैंटीन का सामान आर्मी वालों को फ्री मिलता है, बट ये फ्री नहीं होता है, कुछ डिस्काउंट होता है, काफ़ी अच्छे खासा डिस्काउंट मिल जाता है हमें इन सारी चीज़ों में। बट प्रॉब्लम ये है कि मेरी जो सिटी है अमरावती, यहाँ पर एक ही कैंटीन है, और वो भी बहुत ज़्यादा छोटी कैंटीन है, जैसे कि पूना वगैरह है, पूना में हम लोग रह चुके हैं, तो वहाँ पर काफ़ी सारी कैंटीन थी, और इतनी बड़ी बड़ी कैंटीन जैसे मॉल है, और उस टाइप में कैंटीन थी, और उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो मतलब ऐसा पर्टिकुलर एक ब्रांड नहीं है, हमें एक ब्रांड पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है, तो बहुत सारे ब्रांड हमें ऑप्शन मिल जाते हैं, तो हम लोग कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। बट यहाँ पर कैसा है, जैसे सोप है तो सोप में लक्स, रेक्सोना, और उसके बाद संतूर, और क्या बोलते हैं, सिर्फ डेटॉल, मेडिमिक्स, ये यही सिर्फ पर्टिकुलर ब्रांड है जो यहाँ पर मिलते हैं, और उसी में से हमें चूज करना पड़ता है कि जो हमें चाहिए वो लेना पड़ता है, तो हमारे यहाँ पर चॉइस नहीं रहती है। और बहुत से लोग ये भी बोल रहे थे कि आपने वॉच, टाइमेक्स की वॉच या ये वॉच, टाइटन की वॉच, आप कैंटीन से क्यों नहीं लेते हो, कैंटीन से तो बहुत ज्यादा सस्ती मिलती है। तो आपका यही डाउट मुझे क्लियर करना है, मतलब कैंटीन में आपको बता दूं कि पर्टिकुलर मॉडल, मतलब एकदम एक या दो मॉडल रहता है, और उसी को आपको लेना पड़ता है, और जो मॉडल मुझे ऐसा लगता है जो मॉडल मार्केट में नहीं चलते हैं वही मॉडल आपको वहां पर मिलता है। तो मुझे वहां की चीजें, मतलब ये जो चीजें जैसे वॉच हो गई या शू हो गया, अगर आपको वो लेना है तो आप ले सकते हो, लेकिन मुझे ना ऐसे थोड़ी सी वैरायटी पसंद है, जैसे कि सबके पास है वैसा नहीं चाहिए मुझे, तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो जाता है कि जैसे वॉच अभी आर्मी वालों के पास कैंटीन में वो वॉच मिलती है, तो सारे लोगों के पास वही वॉच दिखेगी। तो एक बार इन्होंने भी एक टाइमेक्स की वॉच ली थी, वो ही ट्रेंड में थी उस टाइम, और इतनी ज्यादा मतलब पूरी यूनिट में वही वॉच सबके हाथों में, तो ये थोड़ा सा वो फर्क लगता है मुझे कि यार यहाँ पर वैरायटी नहीं मिलती है, मतलब हम लोग चूज नहीं कर सकते हैं वहां पे, तो ये चीजें मिलती है, और यहाँ पर ना इतनी ज्यादा भीड़ रहती है सारी चीजें लेने के लिए, 3-3, 4-4 घंटे हमें वेट करना पड़ता है वहां पे, और यहाँ पर ना आजू बाजू के लोग भी, मतलब जैसे कि गांव से, आजू बाजू के गांव जो है वो एक ही सिटी है यहाँ पर, जहाँ पर हमें कैंटीन मिल जाती है, मतलब थोड़ा सा दूर है यहाँ पे, जैसे पुलगांव वगैरह में है, तो वो नागपुर में है, वो है 4-5 घंटे का रास्ता है, 3-4 घंटे का, तो वहां पर मिल जाएगी आपको, बट यहाँ के आजू बाजू में जो है उनके लिए यही कैंटीन है, तो इसी वजह से वो यही आते हैं, गांव के लोग भीड़ करते हैं, तो इसी वजह से अमरावती के लोग यहाँ पर नहीं जाते हैं ज्यादा, डिमांड से हम लोग प्रीफर करते हैं लेना फिर, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है, मेरे पास टाइम नहीं होता है, इनके पास टाइम नहीं होता है, ये ड्यूटी जाते हैं, मेरे पास भी टाइम नहीं होता है, मैं घर से निकल नहीं पाती हूँ, तो इतना ज्यादा टाइम हम लोग वहां पर नहीं दे सकते। तो चलो बातें बहुत ज्यादा हो गई, हम लोग आते हैं पॉइंट पे। तो सबसे पहले ना ये ग्लास जार दिखा देती हूँ मैं आपको, ये लाया है इन्होंने और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, ये मैंने अमेजोन पे देखा था, बट अमेजोन पे बहुत ज्यादा महंगा है, मतलब अमेजोन पे शायद 400 समथिंग का है ये ट्रियो का ग्लास, और ट्रियो के मैंने जो स्पाइस जार लिए है, मतलब स्पाइस कंटेनर जो ग्लास के आपको बहुत ज्यादा पसंद आया, वो पूरे रैक में लगा दिया है मैंने 18 कंटेनर्स, वो भी ट्रियो की ही है, ब्रांड काफी ज्यादा अच्छा है ये ट्रियो ब्रांड ग्लास जार में, और ये ग्लास बोल्स वगैरह में, तो ये माइक्रोवेव सेफ ग्लास है, और इस ये हमें मिला है 193 रुपीज में, और इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो है, मतलब इसकी जो MRP है वो है 360 रुपीज, ग्लास बोल विथ लिड हमें मिला है 193 रुपीज में, मतलब आप डिफरेंस देख लो अभी कि कितना डिफरेंस होता है प्राइस में। और उसके बाद ये जो बजाज का कुकर है वो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे ये देखने के लिए, तो ये दिखा दी मैं आपको, ये जो बजाज का कुकर है 3 लीटर का कुकर है, ये इस टाइप में कुकर है, और ये कुकर हमें बहुत ही अच्छे खासे डिस्काउंट में मिला है, मतलब 700-800 रुपये, 700-800 भी नहीं, बहुत ज्यादा
इसमें कम मिला है। अभी देखो ये बजाज का कुकर है, प्रेशर कुकर, तो ये 3 लीटर का है, तो ये 1190 रुपीज में ही मिला है, मतलब 1190 में। तो इसकी जो MRP है वो बहुत ज्यादा होगी, बजाज का है ये, इसकी MRP बहुत ज्यादा होगी। नॉन स्टिक कुकर है और MRP दिखाती हूँ मैं आपको, इसकी MRP 2250 रुपीज है और हमें ये 1190 रुपीज में मिला है। तो आप इस पे भी देख सकते हो कितना ज्यादा डिस्काउंट मिल गया है। उसके बाद ये है फ्यूचरा का नॉन स्टिक पैन, मतलब इसके ऊपर ग्लास वाली लीड है, ये इस तरह से लीड है इसके ऊपर ग्लास वाली। एक मिनट मैं आपको सारा खोल के दिखा देती हूँ, मतलब आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये है ग्लास वाली लीड इसके ऊपर, इसकी एक मैनुअल बुक भी मिलता है इसके अंदर, और ये है वो पैन फ्यूचरा का। और मेरे घर पे जो भी फ्यूचरा की चीजें हैं, मतलब पहले जो ली हुई है, अभी जो ली है वो मैंने अमेजोन से ली है, और जो पहले ली थी वो सारी, जो फ्यूचरा का तवा आप देखते हो या कढ़ाई आप देखते हो या नॉनस्टिक कुकर आप देखते हो या फ्यूचरा के वो छोटा एक कुकर है जो बहुत स्टाइलिश दिखता है, वो भी मैंने सारे कैंटीन से लिया हुआ है, पूना के कैंटीन से, बरेली के कैंटीन से, ये सारी चीजें मैंने कैंटीन से ली हुई है, कोई नागपुर के कैंटीन से। तो ये है वो फ्यूचरा की कढ़ाई नॉनस्टिक वाली, अंदर काफी ज्यादा डीप है, और ये 3 लीटर की कढ़ाई है। तो ये इसकी MRP आपको बता दूं, इसकी MRP कितनी है, और फिर आपको मैं कैंटीन प्राइस दिखा दूंगी। तो इसकी MRP 1710 रुपए है, और इसकी जो कैंटीन प्राइस है वो है 1000, मतलब 1000 मीन्स 1047 रुपीज, 1047 बोल रही थी, 1047 रुपीज इतनी इसकी कैंटीन प्राइस है। उसके बाद आपको दिखा दूं ये क्या है, शाही पनीर मिक्स। तो ये है शाही पनीर मिक्स, इसकी MRP आपको बताती हूँ, इसकी MRP 40 रुपीज है और ये 26 रुपीज में मिला है शाही पनीर मिक्स। उसके बाद निर्मा 1 kg, ये निर्मा 1 kg ब्लू वाला, ये पता नहीं, हाँ ऐसी चीजें लानी पड़ती है कैंटीन से। अगर सर्फ एक्सल नहीं मिला तो ये निर्मा तो मिल ही जाता है, और सर्फ एक्सल देखो कितने छोटे छोटे पैकेट मिले हैं। तो जैसे कि मैं सर्फ एक्सल इससे लाती हूँ, डीमार्ट से लाती हूँ, तो पूरा 4 kg का 3 kg का पैक ही लेके आती हूँ, कभी 6 kg का पैक लेके आती हूँ। तो ज्यादातर मेरा 6 kg का ही पैक रहता है, कभी 4 kg का रहता है, ऐसे ज्यादा ही लेके आती हूँ मैं। तो ये यहाँ पर 1-1 kg के, आधा आधा kg के मिल जाता है। तो ये निर्मा आपको बता दूं, ये है 53 रुपीज का, 80 रुपीज इसकी MRP है, 53 रुपीज में मिला है। उसके बाद सर्फ एक्सल मैंने जो आपको दिखाया था अभी, सर्फ एक्सल 500 ग्राम का है ये हमें 60 रुपीज में मिला है। इसकी MRP आपको बता देती हूँ, 93 रुपीज इसकी MRP है और 60 रुपीज में मिला है ये। उसके बाद डबल पावर जेल विम की ये दो लिक्विड लाए इन्होंने, 155 रुपीज इसकी प्राइस है, 155 रुपीज, ये 122 में मिला है। उसके बाद ये है हार्पिक टॉयलेट क्लीनर, हार्पिक टॉयलेट क्लीनर ये 53 रुपीज में मिला है। तो इसकी जो MRP है वो 89 रुपीज है इसकी MRP, बट ये हमें 53 रुपीज में मिला है। उसके बाद गुड डे कुकीज ये जो है, ये इन्होंने ये पूरा पैक ही लाया है, 12 का है या पता नहीं कितने का है, ये 2 कुकीज गुड डे के कहाँ चले गए, हाँ ये गुड डे के कुकीज है ये कुकीज, ये दो ही लाया है इन्होंने, ये 22 रुपीज का मिला है। वैसे इसकी MRP दिखाती हूँ मैं आपको, MRP है 30 रुपीज, ये 22 रुपीज का मिला है। और उसके बाद बटर क्रीम बिस्किट तो ये मिला है 10 रुपीज का, तो इसकी MRP है 20 रुपीज, मतलब ये आधी प्राइस में मिला है। उसके बाद ये है ये पिस्ता, ब्रिटानिया पिस्ता वाला, तो ये 17 रुपीज का मिला है, तो इसकी जो प्राइस है वो 30 रुपीज है, ये 17 का मिला है। और उसके बाद मसल किचन, हाँ मिस्टर मसल, ये जो है इसकी MRP 130 रुपीज है, बट ये हमें किचन मिस्टर 45 रुपीज में मिला है, सिर्फ 45 रुपीज में, ये 130 रुपीज इसकी MRP है, 40 रुपीज में मिला है ये सिर्फ। मतलब ऐसा फायदा होता है, बट बहुत ज्यादा भीड़ रहती है ना, तो इसी वजह से हम लोग जाते नहीं है। अभी तो ये 4 साल के बाद ये सामान लाया है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन कैंटीन का सामान जब लाते हैं और इतनी ज्यादा बचत होती है, बट क्या करें, टाइम की वजह से होता है सारा कुछ, और उसमें हमें जो चाहिए वो भी नहीं मिलता है, तो इसीलिए हम लोग बहुत कम जाते हैं। और ये मार्वल रेड रोज ये है, तो ये 137 रुपीज में मिला है और 173 रुपीज MRP है।
उल्टा ही है। और उसके बाद इंस्टेंट पॉपकॉर्न, ये इन्होंने पूरा पैक ही लाया है, हम लोग डीमार्ट से भी ऐसे पूरा पैक ही लेके आते हैं ये। और ये है 14 रुपीज का एक, मतलब ये एक पॉपकॉर्न 14 रुपीज का, वैसे 26 रुपीज का है, तो 14 रुपीज में एक पॉपकॉर्न मिलता है। सुहाना मटर पनीर मिक्स, सुहाना ये शाही पनीर, ये शाही पनीर, ये मटर पनीर, हाँ ये मटर पनीर मिक्स, वो भी उतने का ही है, 45 रुपीज का है, तो 29 रुपीज में मिला है। उसके बाद सर्फ एक्सल बार, जो ये है बड़ी वाली सर्फ एक्सल बार, ये 36 रुपीज में मिली है, 36 रुपीज समथिंग में, तो ये इसकी जो प्राइस है वो 50 रुपीज प्राइस है इसकी, 36 रुपीज में मिली है। उसके बाद है मेडिमिक्स, जो ये है, तो ये 22 रुपीज में मिली है, तो इसकी जो MRP है वो है 43 रुपीज, ये 22 रुपीज में। उसके बाद मेडिमिक्स है, उसके बाद लक्स, जो ये है, लक्स है 28 रुपीज में, इसकी MRP है 50 रुपीज। उसके बाद डेटॉल, डेटॉल सोप, ये छोटी वाली, तो ये 19 रुपीज में मिली है, इसकी MRP है 33 रुपीज। इसके बाद रेक्सोना, जो ये बड़ी वाली है, ये 29 रुपीज में मिली है, 3 रुपीज MRP, आधे से भी कम में मिली है, ये 29 रुपीज में मिली है। उसके बाद क्लोजअप 60 रुपीज का मिला है, और इसकी जो प्राइस है 85 रुपीज प्राइस है। और हाँ, आप लोग बहुत सारे लोग पूछते हो कि दी आपके चमकते हुए दांतों का राज क्या है, तो वो यही है, मैं हमेशा से ही क्लोजअप से ही ब्रश करती हूँ, तो इसी वजह से यही मेरे चमकते दांतों का राज है, जो मोती जो से दांत चमकते हैं मेरे उसका। और उसके बाद कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर, जो हम लोग जैसे हम लोग बालों को कंडीशनर लगाते हैं, उससे हमारे बाल बहुत ज्यादा स्मूथ और सॉफ्ट हो जाते हैं, ऐसे ही हमें कपड़ों के लिए कंडीशनर यूज करना पड़ता है। जैसे कपड़े वॉश करने के बाद सादे पानी में ये डालो, और उसके बाद मतलब पूरे कपड़े वॉश करने के बाद थोड़ा सा ये डाल के वॉश कर लो, आपके कपड़े सॉफ्ट भी रहेंगे, उसके बाद आपके कपड़े जर्म फ्री भी रहेंगे, उसकी फ्रेग्रेंस भी अच्छी आती रहेगी, तो इसके लिए ये कम्फर्ट रहता है। तो मतलब 225 रुपीज MRP के बाद इसमें हमें डिस्काउंट मिलके ये 144 रुपीज का मिला है। उसके बाद रसगुल्ला, जो हम लोगों ने उस दिन खाया था, रसगुल्ला हमें 226 रुपीज का मिला है, वो मुझे उसकी MRP नहीं पता, वो खा के फेंक भी दिया वो। और उसके बाद क्लोजअप ये वाला, ये 57 रुपीज का क्लोजअप मिला है, जो इसकी MRP 95 रुपीज है। बोनविटा, जो ये है बोनविटा, आप देखो बोनविटा पे कितना ज्यादा फर्क है, बोनविटा 223 रुपीज का है, बट बोनविटा हमें देखो कितने का मिला है, 133 रुपीज का। मतलब इतना ज्यादा फर्क होता है कैंटीन में, बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, बट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है वहां पे, इसीलिए नहीं तो जहां पर पूना वगैरह में है या बड़ी बड़ी सिटियां है वहां पर तो आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, हमारे यहाँ पे वही टेंशन रहता है। नूडल्स, जो ये 26 रुपीज का हमें मिला है, और इसके एक्चुअल प्राइस है 46 रुपीज, जो हमें डीमार्ट में भी थोड़ा सा डिस्काउंट करके मिल जाती है, मतलब 46 रुपीज का है तो 40 रुपीज का डिस्काउंट में मिलेगा, बट यहाँ पर आपको 26 रुपीज का ही मिलता है। तो ये है फर्क, तो ये मैंने सारी चीजें आपको दिखा दी। और ये गुड्डे ब्रिटानिया का पूरा पैक पता नहीं इन्होंने अलग से लिया है या नहीं, तो ये इसका जो प्राइस है वो तो मुझे पता ही नहीं चला, ये पूरा पैक का प्राइस क्या है, ये इन्होंने शायद दूसरे के कार्ड से काटा होगा या दूसरा बिल होगा उसका, क्योंकि इसमें तो नहीं दिख रहा है मुझे, तो इसी वजह से मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। तो चलिए फिर, ये थी मेरी शॉपिंग, जो आप बहुत सारे रिक्वेस्ट आई थी इस शॉपिंग के लिए कि दी डिस्काउंट बताइए, दी क्या क्या होता है, मतलब सेव दी कैंटीन से कैसे हम लोग परचेस कर सकते हैं। तो ये चीजें सिर्फ आर्मी वालों के लिए है या डिफेंस में जो काम करते हैं उनके लिए कैंटीन की सुविधा है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। और हमें होके भी हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हम लोगों को एक तो टाइम नहीं मिलता है, हमारे बिना किसी को मिलता भी नहीं है। जैसे कपल का कार्ड होता है, कपल का फोटो होता है, उसपे मेरा और इनका फोटो है, तो मैं जा सकती हूँ या ये जा सकते हैं, तो हम दोनों में से कोई भी जा सकता है लेने के लिए, बट मुझे भी इतना टाइम नहीं है लेने जाने के लिए, क्योंकि भीड़ ही इतनी होती है कि वहां पर भीड़ देख के ही आप वापस चले आओगे। और इस बार पता नहीं इनको कैसे मिल गया ये सारा सामान, नहीं तो इतना ज्यादा वेट करना पड़ता है, उस दिन इनको टाइम था इसी वजह से इन्होंने वेट किया वहां पे, क्योंकि इनका यूनिट भी थोड़ा वहां पे ही है और वहां पे ही CSD कैंटीन भी है, तो इसी वजह से थोड़ा वेट किया इन्होंने और ये सारा सामान लेके आए। नहीं तो आप लोगों को पता है, जो आप मतलब पुराने भी मेरे सब्सक्राइबर है उन्हें पता है कि मैं डीमार्ट से ही शॉपिंग करती हूँ सारी ग्रोसरी की,
और जो अभी ज्वाइन हुआ है उन्हें भी पता होगा कि मैंने अभी मतलब मंथली मैं शॉपिंग करती हूँ तो वो डीमार्ट से ही करती हूँ, बट इस बार ही ये इन्होंने 4 साल के बाद शॉपिंग की है। और 4 साल में हाँ जब से इधर आया है तब से इस बार हमारे घर पे ही कैंटीन का सामान आया है, नहीं तो जब ये रिटायर हुए थे वहां से मतलब वॉलेंट्री लेके आए थे तब नागपुर की कैंटीन से बहुत सारा पिटारा भर के लाए थे, तो 1 साल मुझे कुछ खरीदना ही नहीं पड़ा था। मतलब इतना सारा सामान था मेरे घर पे कि पूरा एक वार्डरोब का एक सेक्शन हमारा भर गया था उसी से, कि जैसे कि ये सोप या सारी चीजें 1 साल का पूरा सामान भर लिया था इन्होंने, तो मुझे कुछ भी लाना नहीं पड़ा, ना डिमांड से लाना पड़ा ना बाहर से कुछ लाना पड़ा, जैसे 1 साल वो चीजें चली बाद में हमें लाना पड़ा। तो ये थी मेरी शॉपिंग गाइस, और आई होप आपको ये शॉपिंग अच्छी लगी और आपको डिस्काउंट के बारे में भी पता चला हो और आपके थोड़े से डाउट भी क्लियर हो गए हो कि हमें ये सामान फ्री मिलता है या डिस्काउंट में मिलता है, और आपको डिस्काउंट भी पता चल गया कि कितना डिस्काउंट होता है, बहुत सारा डिस्काउंट होता है। मतलब क्या बोलते हैं, सरकार हमें बहुत सारे चीजें प्रोवाइड करती है हमारे, हम लोग जब तक जॉब करते हैं ना गवर्नमेंट ही हमें पढ़ाई के लिए बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पैसे सेंड करते हैं, मतलब कुछ पैसे हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलते हैं साल में, तो ऐसे बहुत सारी चीजें मिलती है हमें, और इसी वजह से हमारी इतनी सारी सेविंग हुई है। आपको लगता है कि ये जो बंगलो हमने बनाया है और ये सारी चीजें हमने की है तो वो सेविंग करके ही की है, क्योंकि आर्मी में थे, आर्मी में बहुत सारी सेविंग हो जाती है, अगर आप आर्मी बैकग्राउंड से हो या आर्मी में हो अभी भी तो आप इस चीज का फायदा उठा के थोड़ी सेविंग करना अभी से स्टार्ट कर दो, अगर आपने अभी तक नहीं की है सेविंग तो आप सेविंग करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वहां पर तो आपको सारी चीजें फ्री मिलती है, मतलब जैसे कि राशन पानी भी फ्री मिलता है। हम लोग राशन नहीं लेते थे वहां पे क्योंकि राशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, कभी चावल अच्छे आते थे कभी बासमती नहीं मिलते हैं वहां पे राशन में, तो सादी चीजें मिलती है, तो हम लोग अगर आप राशन नहीं लेते हो ना तो आपको पैसे भी मिल जाते हैं राशन के उतने, अगर आप राशन नहीं ले रहे हो तो थोड़े से कम मिलते हैं बट मिल जाते हैं, तो उसमें हम लोग का गुजारा हो जाता है, क्योंकि हम लोग थे ही कितने, दो हम थे और एक छोटी सी माई थी, वो भी कितना खा रही थी, सिर्फ दूध पीती थी बेचारी, तो उसमें ही हम लोगों का हो जाता था, तो जितना पैसा मिलता था उसमें हमारा महीने का राशन हो जाता था, पैसा कम मिलता है राशन बहुत ज्यादा मिलता है तो हम लोग राशन नहीं लेते थे। बाद में हम लोगों ने राशन लेना स्टार्ट कर दिया था कब, जब अच्छा राशन मिलने लगा था, जब अच्छा राशन नहीं मिलता था तब हम लोग पैसे ही लेते थे। तो ये है आर्मी बैकग्राउंड वालों की स्टोरी गाइज, जो जो आर्मी बैकग्राउंड वाले हैं तो वो तो मुझसे रिलेट करते ही होंगे। चलिए गाइज मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, क्योंकि बाहर जाना है मुझे, मार्केट जाना है, मार्केट का थोड़ा सा काम करना है और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। आ रहा है बाहर एक्चुअली, ये जो है मेरी चिकनकारी कुर्तीज उसके लिए इनर होता है, वो रेडीमेड मंगाया था मैंने बट सेम कलर नहीं आया, और उसके साथ चिकनकारी कुर्ती के साथ भी इनर नहीं आया था, तो इसी वजह से हम लोग अभी उसका कपड़ा लेंगे और वो सिलवाने के लिए डालेंगे, तो इसीलिए जा रही हूँ। चलिए जल्दी से जाती हूँ और जल्दी से आती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है मुझे, और घर के भी काम करने हैं सारी, अभी क्लीनिंग बाकी है, सब कुछ बाकी है। ये क्या है? हाँ? ये साइड में क्या रखा है? निकालने के बाद पता चलेगा मुझे। ये क्या? पता नहीं क्या है ये? आपको बताऊंगा ना मम्मा। नहीं मुझे नहीं पता ना, पापा लेके जा रहे शायद। क्या है ये? यूनिफॉर्म है। अच्छा अच्छा यूनिफॉर्म है। अच्छा अच्छा अद्विक आप तो बहुत ही क्यूट दिख रहे हो इस वाले हेयर कट में। अद्विक इस वाले हेयर कट में तो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हो आप, है ना? और अम्मा, हाँ? मुझे पता नहीं वो ब्लू वाला बॉल कहाँ पे गया? आपका तो एक भी बॉल आपका मतलब आपके पास रहता है क्या? हाँ? एक एक महीना भी नहीं हुआ है उस बॉल को, हुआ है क्या? आपने डीमार्ट में से लाया था क्या? हाँ तो हमेशा ही मैं डीमार्ट में से लाती हूँ आपके लिए बॉल जब भी जाती हूँ, लेकिन आप क्या करते हो? घुमा देता हूँ। हाँ आपको लगता भी नहीं है थोड़ा सा भी? और मैं से खेलने वाला हूं। हाँ तो अभी ये पुराना ही खेलो। तो चले गाइस इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप गाइस आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।
सब्सक्राइब कर देना, उसके बाजू में जो बेल आइकॉन आएगा उसे क्लिक कर देना, उसे ऑल पे क्लिक करना, बिल्कुल भी कंजूसी मत करना लाइक करने में भी और सब्सक्राइब करने में भी, और उसके बाजू में जो बेल आइकॉन आता है उसको आलस मत करना दबाने में भी, क्योंकि उससे क्या होगा कि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ही सबसे पहले मिलेगी और उसे आप सबसे पहले देख पाओगे। और इसके अलावा मेरे दो और चैनल है, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चले फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। इंस्टा पे एक बार ज़रूर चेक कर लेना, आपको पसंद आने वाला है पक्का, और उसमें आप मुझे फॉलो करने ही वाले हो, क्योंकि रील्स वगैरह देख लेना, आपका थोड़ा सा टाइम पास भी हो जाएगा। तो चलिए बाय, ध्यान रखना अपना।